मैंने आप लोगों को कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने दिए थे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है उनमें, तो एक बार हम उन्हें ही फिर से डिस्कस करेंगे कि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। CO3 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव का मैंने आप लोगों को कल करा दिया था। अब हम बात करते हैं CLO4 नेगेटिव की। एंड किसकी बात करेंगे? CLO4 नेगेटिव की। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287। सेवन इलेक्ट्रॉन्स है और प्लस वन कर दो, इसमें जो भी है चार्ज है, नेगेटिव है तो प्लस वन कर देंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन इज 2 6। कितने ऑक्सीजन है? चार। चार कैसे जुड़ेगी? एक ऊपर तीन नीचे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इससे ले लेगा। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इससे ले लेगा, ये इससे। क्लोरीन को किसी के कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। तो म्यूचुअल सर्कल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बन गए, और क्लोरीन ने सबको इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ये बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड। और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आप लगा भी सकते हो इस पर, और नहीं भी लगा सकते, मर्जी है वो आप लोगों की। राइट, तो ये हो गया CLO4 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह हम बात करते हैं SO3 की। SO3 सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन इज 286। राइट, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन इज 26। दोनों के छह छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तीन आप लोगों को पता ही है कैसे जुड़ते हैं, एक ऊपर, इसको बाद में लगाएंगे, पहले सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 1 2 3 4 5 6, दूसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तीसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, राइट। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ले लेगी वो इससे। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ले लेगी इससे। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ले लेगी इससे। अब सल्फर को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि उसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 5 6। अब उसकी मर्जी है वो किस ऑक्सीजन से लेना पसंद करेगी, उसके लिए ये भी एक बराबर है, ये भी। मान लो चलो उसने इससे ले ली। अब सल्फर के सर्कल में भी कितने हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इनके म्यूचुअल सर्कल में है, अगर हम इसकी बात करें हम, तो इन दोनों के म्यूचुअल सर्कल में है सिर्फ दो दो इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के, तो दैट इज डेटिव बॉन्ड। और यहाँ पर हम इस म्यूचुअल सर्कल की बात करें, यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन रहे हैं? दो बॉन्ड बन, और बाकी बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इनको डिनोट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो मर्जी आपकी। तो ये है स्ट्रक्चर SO3 का। इसी तरह कल एक बच्चे ने H2SO4 का पूछा था, H2SO4 का बना लेते हैं पहले एक बार, फिर आगे बात करेंगे। H2SO4 सिंपली हमें क्या करना है,
इसकी हम एक तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं एक बार पहले। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं इसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से 2, सल्फर की तरफ से 6, ऑक्सीजन की तरफ से भी 6। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो इंटू में 4 ऐड करेंगे, सम विल बी 32 डिवाइडेड बाय 8, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी 3। मतलब सल्फर के कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड्स बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अकेला सल्फर है, ये लगा दिया सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर इसको ऐसे लगा लो 5, 6। ठीक, ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो 2 तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, एक ऊपर एक नीचे, राइट। दूसरा हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन भी कितनी है? 2। उन्हें भी साइज में दे दो। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। ठीक, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, ये रहे 1। अब हाइड्रोजन को पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन को पूरा करेंगे। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, यहां से भी इसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक तो देखो, ये हाइड्रोजन ने इसका लिया, तो ये भी हाइड्रोजन से लेगा, तो 6 इसके पास ऑलरेडी है, 7वां ही हाइड्रोजन से ले लेगा, तो 8वां किससे लेगा? सल्फर से लेगा। तो ये रहा इस तरह। ठीक, अब हम अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स खुद एडजस्ट कर लेंगे। जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी तरफ एक लगा दिया, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी तरफ 2। इस भी ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन ने इससे लिया, तो ये भी हाइड्रोजन का लेगा, ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन की और कमी है, वो सल्फर से ले लेंगे। क्लियर? अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने रब करके यहाँ पर पहले मैंने ऐसे बनाया था ना ये। अब जिसको जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। इसको 2 की है तो इनके सामने 2 कर दिए, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके सामने मैंने 1 एडजस्ट कर दिया, राइट। इसको 2 चाहिए, ये रहे 2। इसको भी कितने चाहिए? 2 चाहिए, ये रहे 2। क्लियर है? अब बात आती है सल्फर की। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। सल्फर को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर ने इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर इससे ले लेगा। अब सल्फर के सर्कल में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए कंप्लीट। बॉन्ड बनाने की बारी आती है, देखो कैसे बनाएंगे। ये रहा सल्फर, सिंगल सिंगल दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगल बॉन्ड, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? सल्फर के, तो नेगेटिव। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। इसी तरह HClO4 का भी देख लेते हैं एक बार। HClO4 देखो, मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, x की वैल्यू 4 आई थी, है ना। तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी निकाल लेते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा कि क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ। तो हाइड्रोजन की तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ से 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की तरफ से 6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। सम इज 32 डिवाइडेड बाय 8, हाइब्रिड x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4।
मतलब ये बनाएगा फोर बॉन्ड्स क्लोरीन। ठीक, अब कैसे बनाएगा वो देखते हैं। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हम ऑक्सीजन के हिसाब से सेट करके बाद में इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। ऑक्सीजन 4 है, 2 इधर 2 इधर। हाइड्रोजन कितनी है, 1। अब हाइड्रोजन को देखते हैं किधर लगाएं, उसको इधर इधर किधर दे दो, मान लो इधर दे दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके भी लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अब ऑक्सीजन भी तो इससे शेयर करेगा, ले लिया ऑक्सीजन ने भी। क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इसने हाइड्रोजन से ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, क्लोरीन से, तो मैंने इस वाले ऑक्सीजन की साइड में क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ले लिया इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को भी 2, इसको भी 2। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जिसको इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था उसी से ले लें। हो गए क्लोरीन के सर्कल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन। अब बनाते हैं इसका बॉन्ड, क्लोरीन ऑक्सीजन म्यूचुअल सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड, म्यूचुअल सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड, म्यूचुअल सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 बॉन्ड, यहाँ पर भी म्यूचुअल सर्कल में। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके थे, क्लोरीन के थे, तो डेटिव बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, म्यूचुअल सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका, तो ये नॉर्मल बॉन्ड है हमारा, और यहाँ पर भी सेम, तो ये बन गया HClO4 का स्ट्रक्चर। इस तरह जो एक दो आपका रह गया है वो इन्हीं के साथ मैच कर करके बना के देख लेना, आराम से बन जाएगा। क्लोरीन ने यहाँ पर भी कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 4, तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, 4। तो इस तरह हम बॉन्ड का नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी पता कर सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, इसमें हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालना। इसी टॉपिक से हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालना, उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो बता देती हूँ। जैसे हमने बॉन्ड्स देखे होंगे 10th में, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं हम, डबल बॉन्ड पढ़ते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है सिग्मा, क्या यूज होता है, सिग्मा, सिंगल से सिग्मा बन गया, ठीक। और डबल बॉन्ड होता है जो, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल को लिए सिग्मा और ये दो आ गए, ये मान तो के ये पाई, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई। अब बात आती है ये बॉन्ड कैसे बनते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सिग्मा है कौन सा पाई है, और सिग्मा पाई में डिफरेंस क्या होता है। बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, हमने ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए थे, ऑर्बिटल डायग्राम्स में देखा था कि ओवरलैपिंग हुई होती है, ऐसे बनाए थे। देखो CH4 का मैं बना के दिखाती हूँ, कार्बन के पास पी, 4 ऐसे जुड़ते हैं ना, कार्बन के लास्ट में पी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी ऑर्बिटल होता है, राइट। एच के पास सिग्मा,
तो ये ओवरलैप ही तो हो रहे हैं, इसके साथ ये मिल गया आके, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया, इसके साथ ये मिल गया, तो उस ओवरलैपिंग की वजह से ही हमारे क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो अब हम ओवरलैपिंग के बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन डाल लो, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग हमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग, के किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल बॉन्ड की, दैट इज सिग्मा बॉन्ड की। रिप्रेजेंटेशन ये होती है, लिखते हैं हम ऐसे भी, राइट। तो ये रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारा बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ओवरलैपिंग से। कैसे, मैं हाथों की हेल्प से समझाती हूँ। मान लो ये मेरा एक सिग्मा बॉन्ड है, ये मेरा एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक मेरा ऑर्बिटल है, ये एक मेरा ऑर्बिटल है। तो जब ये इस तरह जुड़ेंगे, बिल्कुल एक दूसरे में इस तरह जुड़ेंगे, तो दैट इज आवर सिग्मा बॉन्ड, राइट। जैसे हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, राइट, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इनमें होगी हेड ओवर हेड ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग में आ जाते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बन जाता है बॉन्ड। तो ये बन गया वैसे, ये और H2। तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया, तो जो ऑर्बिटल है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। और इसको हम बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। इसी तरह अगर मैं ले लूं एक एस और एक ले लूं पी ऑर्बिटल, इसमें भी ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसे बन जाएगा ये, इस तरह, राइट। ये है वही हमारी एस पी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई हमारी, एस पी ओवरलैपिंग। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जहां पर ओवरलैपिंग होती है वहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में, या नेक्स्ट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कौन कौन सी सिग्मा होती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम दोनों ही पी ले लें तो ये इसके साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर एक ओवरलैपिंग हुई ना, इसमें भी एक ओवरलैपिंग हुई थी, इसमें भी एक ओवरलैपिंग हुई थी, एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज आवर सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हो गई पी पी ओवरलैपिंग, क्या हो गई यहाँ पर, पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। और जो ये हमारा ऑर्बिटल होता है दैट इज पी जेड या फिर पी एक्स लो, या फिर पी वाई, नहीं ये सिर्फ पी जेड में ही होती है, पी में ये सिर्फ पी जेड में ही होती है, ठीक है। अब इसमें हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे,
हम इसमें लिखेंगे व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड आपस में दो एंड्स जुड़े हुए हैं ना, और एंड ओवरलैपिंग इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड और हम बोल सकते हैं SS ओवरलैपिंग, राइट। तो ये बात हो गई किसकी, सिग्मा बॉन्ड की। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की, कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई में पी की साउंड आ रही है और यहाँ तो पी लिखा ही है, तो पाई ऑर्बिटल जो बनता है वो मोस्टली पी ऑर्बिटल से बनता है, पी पी ओवरलैपिंग से। अब पी जेड तो देख लिया हमने, पी एक्स और वाई से बनता है, पी एक्स और वाई ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। अब पाई बॉन्ड मीन्स हमारे पास अब सिंगल बॉन्ड नहीं होता, कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। पाई में दो बॉन्ड होते हैं हमारे पास, है ना, एक सिग्मा और एक पाई। तो देखो ये मान लो पी एक्स है या फिर पी वाई है, पी एक्स ले लो या फिर पी वाई ले लो, कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो ओवरलैपिंग की कितनी होगी, दो ओवरलैपिंग होगी, तो ये बन जाएगा कुछ इस। राइट, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है एक बॉन्ड, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रही है दो बॉन्ड, तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, पाई बॉन्ड ओवर फॉर्मेशन, या फिर हम बोल सकते हैं पी पी ओवरलैपिंग, राइट। अगर हम हाथों से दिखाना चाहें तो मैंने दिखाया था हेड ऑन ओवरलैपिंग इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड साइडवेज ओवरलैपिंग, इस तरह हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग इज फॉर पाई बॉन्ड। इसमें हम लिखेंगे जो ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करके बनाए हैं, इन्हें आप लोग भी बना लेना अपनी नोटबुक्स पर, ये आपकी बुक में भी मिलेंगे आपको। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, a bond which is formed by sideways overlapping of atomic orbitals is known as pi bond, और example हमने इसका देख ही लिया है, right। तो इसमें होगी sideways overlapping और दूसरे में थी हमारी head on ओवरलैपिंग। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं
बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर 101% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन डालो। चलो पहले मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देती हूँ, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें उतना टाइम नहीं बचा है। वो क्वेश्चन हम कल से शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों को बॉन्ड देख के हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा Find out the total number of sigma and pi bond of sigma and pi bond in following and also hybridization, also hybridization. जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया क्या, C2H6। सबसे पहले क्या होता है, हम बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, दो कार्बन है, दो कार्बन बना दिया हमने, ठीक। अब जितनी हाइड्रोजन है वो हम बराबर बराबर बांध देंगे, या फिर हम ऐसे बनाएंगे इसे कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, चार बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड बन गया, तीन बॉन्ड की कमी, या फिर छह हाइड्रोजन है, तीनों तीनों दोनों को बांट दो, राइट। तो ये बन गया C2H6 का स्ट्रक्चर। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिखे अगर हम, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, तो कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, चार ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, दैट इज sp3, तीन और एक चार, हो गया, ये रही इसकी हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर हमें दिया जाए C2H4, दो कार्बन, दोनों को दो दो हाइड्रोजन बांट दो बराबर, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, चार बॉन्ड बनाती है, चार में से दो बॉन्ड हमारे बन चुके हैं, कितने बॉन्ड की कमी है, दो बॉन्ड की कमी है, तो वो दो बॉन्ड ये आपस में बना देंगे, क्या करेंगी, ये दो बॉन्ड वो आपस में बना देंगे। अब हमें बॉन्ड्स काउंट करने हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5, पाई बॉन्ड कितने, 1, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सिग्मा बॉन्ड से हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल, इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, 1, 2, 3, मतलब तीन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दो और एक तीन, जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। हम इसको नोट बना के लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। जैसे इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड थे तो एक s का ऑर्बिटल, दो p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, हम यहां से लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, C2H2 की, थर्ड है इसमें C2H2, दो कार्बन है, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दो, कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड बन गया, कितने बॉन्ड की कमी है, तीन बॉन्ड की कमी है,
तो तीन बॉन्ड ही आपस में बना लेंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देन पाई पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए टोटल हमारे पास, 1 2 3। तो इसी से हाइब्रिडाइजेशन लिख दो sp। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारी, sp राइट। और ये दो हो गए हमारे पाई बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए हमारे पाई बॉन्ड। इस कार्बन ने देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। इस कार्बन ने भी, अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसने भी कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी हो गई, sp राइट। तो इस तरह हम किसी की भी क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम जनरल बात करें, इसे की पॉइंट बना के लिख लेना, की पॉइंट बना के लिखना इसको। अगर आपको कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन दिखे जिसके सारे बॉन्ड कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्ड आ जाए, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो sp2, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बन होगी sp हाइब्रिडाइज। और इस तरह हो गए 1 2, तो ये भी हाइब्रिडाइज्ड sp, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हमारे कितने हैं, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हम कार्बन के इस तरह बॉन्ड्स देख के भी पहचान सकते हैं कि भाई सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक भी डबल बॉन्ड आया तो sp2, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आया तो sp, और अगर इस तरह आए तो दैट इज sp अगेन। इस तरह एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3COOH, CH3, इसका मतलब ये है COOH। पहले तो इसमें क्या करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा। तो टोटल हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, एंड ये 7। इसी तरह पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड 1 हुआ। अब हम अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इस कार्बन की, इसके सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसका एक बॉन्ड डबल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल करें, दैट इज CH3CHO, मतलब क्या है इसका, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ी है, और ये रहा CHO राइट। सिग्मा 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 पाई सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड है 1। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इस कार्बन की, तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टोटल बॉन्ड इसने कितने बनाए हुए हैं सिग्मा, 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां बात करें, इसका डबल बॉन्ड दिख गया आप लोगों को, तो ये बनाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं और साथ में निकाल सकते हैं sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हेलो सर।